अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक जांच शुरू नहीं की है, कई दिन हो गए मुकदमा दर्ज हुए लेकिन अभी तक किसी से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। अभी अगर आम जनता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता तो बहुत तेज कार्यवाही होती लेकिन दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू ही नहीं की। सरकार बताए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में कहां तक जांच पहुंची है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मामले पर पीटी उषा के दिए गए बयान पर संजय सिंह ने कहा कि पीटी उषा को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, वे बहुत ही मर्यादित महिला हैं। जब खिलाड़ियों का आरोप हो, खिलाड़ियों ने कोई आवेदन दिया है तो उसके आधार पर उनको बयान देना चाहिए। आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के मामले पर संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने पहले संजय सिंह का नाम लिया, फिर राहुल सिंह के डायरेक्शन पर ठेका ट्रांसफर करने की बात कही, अब ईडी ने पत्र लिखकर अपनी गलती मानी, ईडी की पूरी जांच ही झूठी। राहुल सिंह एक्साइज कमिश्नर हैं, वे मंत्री को डायरेक्शन दे नहीं सकते, ईडी पूरे इस मामले में एक्सपोज हो चुका है। बता दें कि संजय सिंह अयोध्या में निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। तो जांच कौन करेगा, दिल्ली पुलिस करेगी? जांच शुरू तो करे, जांच किया उन्होंने? कितने दिन से एफआईआर हुई, कोई पूछताछ की, किसी को बुलाते? आपको जानकारी हो, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, बताइए आप। आपके खिलाफ अगर अभी एफआईआर हो जाए तो आप पे कितनी तेज कार्रवाई होगी? अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है। किसी एक व्यक्ति को बुला के पूछताछ की हो तो नाम बताए, किसी एक व्यक्ति से पूछताछ की हो, कुछ बयान दे सकते हैं मंत्री जी, बता सकते हैं कि हाँ हाँ इन लोगों, नाम ना ले क्योंकि नाम लेना तो इस मामले में ठीक नहीं है। जांच कहाँ तक पहुंची, क्या हुआ, कुछ तो बताएं कि पीटी उषा जी ने जो एक बयान दिया वो उनको नहीं देना चाहिए, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, बहुत ही मर्यादित महिला है वो, उनको ऐसी बयान, जब एक तरफ से खिलाड़ियों का आरोप है और उन्होंने एप्लीकेशन कोई दी है तो उसके आधार पर ही कोई बात कहनी चाहिए। संजय सिंह के डायरेक्शन पे मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकान का ट्रांसफर किया, अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं साहब, राहुल सिंह के डायरेक्शन पे मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकान का ट्रांसफर किया, संजय सिंह हमने गलती से लिख दिया। इसका मतलब ये पूरी पूरी जांच ही झूठी है क्योंकि राहुल सिंह एक्साइज कमिश्नर है, वो अपने मंत्री को निर्देश थोड़ी दे सकता है। तो ईडी पूरे इस जांच में एक्सपोज हो चुका है और मैं कहता हूं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी जांच करते रहना। अगर संजय सिंह के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला साबित हो जाए, जितनी सजा कानून में लिखी है उससे 10 गुना ज्यादा देना।